जय हिंद दोस्तों, आप सभी का इन्वेस्टिंग क्लब से चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अभी हाल के समय में बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि डिविडेंड दे रही है, जिससे कि बहुत सारे लोगों को फायदा जो है वह होता है। इसी कड़ी में एक और कंपनी जो है उसने अपने डिविडेंड की घोषणा जो है वह की है। उन्होंने अपने निवेशकों को 1750% का डिविडेंड देने की घोषणा की है। यह कंपनी है अनिल अग्रवाल की कंपनी वेदांता लिमिटेड। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने आज हुए मीटिंग पर 17.50 रुपए के प्रति शेयर डिविडेंड देने की घोषणा की है। इसके बाद जो है जिनके भी पास इस कंपनी का शेयर है उन सभी को जो है 17.50 रुपए जो है का डिविडेंड मिलेगा। अगर आपको बता दें कि कंपनी की डिविडेंड देने की 61 तारीख जो है वह 22 नवंबर 2022 है। इससे पहले भी यह कंपनी जो है समय समय पर डिविडेंड देती है। इससे पहले कंपनी ने 2 बार अंतरिम डिविडेंड जो है वह दिया था। अब बात कर लेते हैं कंपनी का चार्ट जो है वह क्या कहता है। तो यह आपके सामने जो है कंपनी का चार्ट जो है वह ओपन है। सबसे पहले अपन जो है मंथली चार्ट जो है उसको एक नजर देख लेते हैं। अगर मंथली चार्ट को अगर आप लाइन पर देखेंगे तो शेयर में उस तरह की खास तेजी जो है वह देखने को नहीं मिलती है जैसा कि दूसरे शेयरों पर होता है। शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई के लेवल से भी काफी नीचे है। अब बात कर लेते हैं अपन जो है वीकली चार्ट का, क्योंकि मंथली चार्ट जो है वह काफी लंबे समय के लिए हो जाता है। तो वीकली चार्ट देखेंगे तो जब मार्च 2020 में इस शेयर में गिरावट आई तो आप देखेंगे कि गिरावट जो है इस शेयर पर दूसरे शेयरों के मुकाबले काफी ज्यादा गिरावट जो है वह नहीं आई थी, क्योंकि यह शेयर जो है ऑलरेडी अपने ऑल टाइम लो के लेवल के आसपास ही ट्रेड कर रहा था। और उसके बाद देखेंगे इस शेयर पर अच्छी खासी तेजी आई और यह शेयर जो है अपने ऑल टाइम लो लेवल से थोड़ा नीचे जाकर जो है इस पर जो है करेक्शन आना जो है वह शुरू हुआ। दोस्तों, वेदांता कंपनी जो है वह एक साइक्लिक शेयर है, यानी जब इसमें तेजी आती है तो एक तरफा जो है इसमें तेजी ही आती है, और अगर इसमें गिरावट होती है तो एक तरफा गिरावट जो है वह आती है। अभी आप देखेंगे कि यह शेयर जो है वीकली पर जो है थोड़ा पॉजिटिव जो है वह हुआ है। अगर यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि एक ट्रेंड में था और अभी इसमें ब्रेकआउट हुआ और यहाँ कुछ प्राइस एक्शन जो है वह कर रहा है। अगर इस शेयर को अभी ऊपर जाना होगा तो इस पर कौन कौन से पॉइंट जो है आपको ध्यान में रखने चाहिए उसके बारे में बताते हैं। एक तो सबसे पहला पॉइंट है यहाँ पर इसका लेवल जो है, अभी कंपनी जो है वह डिविडेंड देगी, इस कारण से इस शेयर में गिरावट जो है वह आएगी। तो ये वाला लेवल जो है करीबन 325 रुपए के ऊपर वाला लेवल जो है यह इस शेयर के लिए काफी ज्यादा अहम जो है वह हो जाता है। नो डाउट कंपनी जो है वह डिविडेंड दे रही है, पर शेयर होल्डर के लिए अच्छी बात है, लेकिन आप कंपनी पर जो है वह डिविडेंड के लिए निवेश करते हैं तब आपके लिए अच्छी बात है। अगर आपने इस शेयर को ट्रेडिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग मोमेंटम ट्रेडिंग के लिए लिया हुआ है या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लिया हुआ है तो आपको जो है इस लेवल को ध्यान में रखना चाहिए। यहाँ पर देखेंगे एक ट्रेंगल का भी यह शेयर जो है वह फॉर्मेशन कर लेगा जब इसका ब्रेकआउट होगा। अभी अगर आपके पास यह शेयर है तो आपको जो है इस पर बने रहना चाहिए, क्योंकि 17 रुपए का डिविडेंड कंपनी जो है वह डिविडेंड दे रही है जो आपके लिए अच्छी बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को एक तरह की गलतफहमी होती है। आपने देखा होगा जब इस शेयर का एक्स डेट आएगा, डिविडेंड की 1 तारीख होगी, तो उस शेयर पर जो है उस दिन के बाद जो है 17.50 रुपए जो है ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो ऐसे में बहुत सारे लोग जो है उस शेयर को जो है वह बेच देते हैं। एक्चुअल में होता क्या है, जो आपके पास इस शेयर की जो वैल्यू है, अभी जो वैल्यू है, जैसे मान के चले अभी जो इस शेयर की वैल्यू 310 रुपए है, तो यह वैल्यू जो है वो कौन डिसाइड करता है? यह वैल्यू जो है मार्केट के जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट प्लेयर जो है वह सभी जो है कंपनी की जो वैल्यू एक्चुअल में क्या होनी चाहिए उसे डिसाइड करते हैं, और उसके बाद ही यह ट्रेड यहाँ पर जो है यह शेयर जो है वह ट्रेड कर रहा है। अगर इसमें से कंपनी की वैल्यू में से 17.5 रुपए जो है आप निकाल देंगे तो क्या होगा, इस शेयर की प्राइस जो है वह ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। तो ये बात जो है वह लोगों को समझ में नहीं आती है।
दोस्तों आशा करता हूँ आपको यह जानकारी अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन के माध्यम से खुलवा सकते हैं। आपको 10,000 रुपए का कैश बैक बोनस भी मिल सकता है अगर आप IIFL के द्वारा जो अपना खाता खुलवाते हैं। धन्यवाद।